सोलन में जिला कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष राहुल सिंह ठाकुर ने बताया कि 14 जुलाई को हिमाचल की प्रभारी रजनी पाटिल आएंगी और कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत जिला के विधायक भी उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राहुल सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की प्रभारी रजनी पाटिल प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर जाकर कार्यकर्ताओं को जागरूक कर आने वाले चुनावों के मद्देनजर पार्टी को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी ने यह अभियान कांगड़ा से आरंभ किया था और नाहन पर इसका समापन होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर यह दौरा काफी अहम है, जिसके माध्यम से पार्टी में नई जान फूंकने का प्रयास किया जाएगा। कि हमारी प्रभारी हिमाचल के दौरे पे हैं और ये कार्यक्रम हर एक जिला मुख्यालय पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका आरंभ जो है कांगड़ा से शुरू हुआ था और समापन जो है जिला सिरमौर के नाहन में होगा। पहले 14 तारीख को ये सारी नेतागण सोलन पर धार रहे हैं और जिला स्तरीय सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से को संबोधित करेंगे। इसमें हमारी जो प्रभारी हैं और हमारे जो नेतागण आ रहे हैं, उनका मुख्यतः आने का मकसद कार्यकर्ताओं में के मनोबल को बढ़ाना है, ताकि आने वाले जो हमारे 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें कार्यकर्ता पूरे लगन और निष्ठा के साथ, जैसे पहले भी काम करता है पार्टी का, उस तरीके से वो फिर से उनको लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए अपना कार्य शुरू करें, ताकि हमारी जो कांग्रेस की जो हमारी नीतियां हैं उसको जन जन तक और कोने कोने तक पहुंचा सके।